वेलकम टू आवर चैनल एंड अगेन टुडे वी आर गोइंग टू शेयर एन एक्टिविटी फॉर यू फॉर द बेसिक क्लासेस एंड द क्वेश्चन इज द टास्क इज सेपरेट द सॉफ्ट एंड हार्ड थिंग्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। यहाँ पर लिस्ट ऑफ द थिंग्स है हमारे पास एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेपरेट द सॉफ्ट एंड हार्ड थिंग। अब ये आपको बताएंगे कि आप ये एक्टिविटी अपने स्टूडेंट के साथ कैसे जो है वो कर सकते हैं और इसका क्या बेनिफिट होगा और हमारे स्टूडेंट जो हैं वो इससे क्या कुछ लर्न कर सकेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर एक्टिविटी, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो एंड शेयर योर फीडबैक। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे एक्टिविटी। एक्टिविटी इज सेपरेट द सॉफ्ट एंड हार्ड थिंग्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। और मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है बेसिक क्लासेस में, मैं बेसिक क्लासेस को पढ़ाती हूँ तो मैं ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बेसिक क्लासेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर स्टूडेंट की बेस बन जाती है तो फिर उसका आगे का जो एजुकेशनल जर्नी है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इसके लिए जो है वो हम कोशिश करते हैं कि हम उनको इस तरह शार्प करें, अपने स्टूडेंट को उनको इस तरह से हम ब्राइट करें कि नेक्स्ट जो है वो खुद से सब कुछ फाइंड आउट कर सकें, वो सर्च करें, वो स्टडी करें ताकि अपनी जो भी प्रॉब्लम उनको नज़र आती हैं उनका खुद से ही सोल्यूशन फाइंड आउट करें। और वो कैसे करेंगे, हमारा आज अगर हम उनको अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे मेथड यूज़ करते हैं, अच्छी टेक्निक्स यूज़ करते हैं उनके साथ, तो वो कल उनके काम आएंगी। वो वही टेक्निक और यूज़ करते हुए अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को जो है वो एनहांस करेंगे और उसके बाद जो है वो उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद से फाइंड आउट करेंगे जो कि उनको दी जाती हैं। ओके जी, इसमें हमारे पास लिस्ट है, तो ये लिस्ट है, इससे पहले कि आप अपने स्टूडेंट को ये एक्टिविटी दें, आपको अपने स्टूडेंट को कंसेप्ट देना है सॉफ्ट एंड हार्ड थिंग्स का। ओके, क्योंकि बेसिक क्लासेस हैं, बेसिक क्लासेस में कोई बहुत लेंथी यूनिट्स नहीं होते हैं, जस्ट आप पिक्टोरियल लेसन्स होते हैं, पिक्चर से हम स्टूडेंट को सिखाते हैं। और यहाँ पर मैंने ये एक्टिविटी जस्ट आप लोगों को मैथड शेयर करने के लिए जो है वो बनाई है। आप भी इसको रफली ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप पिक्स लेके उनको सेपरेट कर सकते हैं। जैसा कि कुछ एक्टिविटीज़ में मैंने स्टिकर्स को यूज़ किया हुआ है तो आप उन स्टिकर्स को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो मैंने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट में से हमने सेपरेट करना है। इससे लिस्ट में से क्या होगा, स्टूडेंट की डिफ्रेंशिएट करने की स्किल जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, वो चीज़ों को फ़र्क करना सीखते हैं, डिफरेंस उनमें डिस्क्राइब करना सीखते हैं और पिक करना सीखते हैं राइट वन ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर उनका टास्क है जी, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सॉफ्ट एंड हार्ड थिंग को जो है वो पिक करना है और उनको उनके रिस्पेक्टिव कॉलम में लिखना है। लिस्ट उनको दी गई है, नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, जस्ट लिस्ट दी गई है, लेकिन वर्ड जो है वो जंबल्ड है, यानी मिक्सअप है, बीच में ही हार्ड है, बीच में सॉफ्ट है, लेकिन उनको अब खुद से आइडेंटिफाई करना होगा कि विच थिंग आर सॉफ्ट एंड विच आर हार्ड। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब आपने अच्छे से उनको पढ़ाया होगा, जब आपने अच्छे से लेक्चर को डिलीवर किया होगा कि सॉफ्ट एंड हार्ड थिंग एक्चुअली होता क्या है। तो मैं जस्ट रिवाइज कर देती हूँ यहाँ पर कि अगर आप अपने स्टूडेंट को ये कंसेप्ट दे रहे हैं तो आप कैसे उनको जो है वो बता सकते हैं। सॉफ्ट थिंग ऐसी थिंग्स होती हैं जिनको हम टच करते हैं, जिनकी सरफेस हम टच करते हैं, हम इजीली उनको उठा सकते हैं, तो हमें सॉफ्टनेस जो है वो फील होती है। ठीक है, नरम जो है वो एहसास होता है कि ये चीज़ कितनी नरम है, सॉफ्टनेस हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा जो सॉफ्टन थिंग्स होती हैं उनका वेट भी कम होता है और हम इजीली उनको कैरी कर सकते हैं। और जबकि जो हार्ड थिंग्स होती हैं, एक तो उनकी सरफेस को अगर आप टच करो तो वो आपको टच करते ही फील होगा इट्स टू मच हार्ड, मतलब आप अगर उनको प्रेस करना चाहो, आप उनको फोल्ड करना चाहो, इट्स नॉट ईजी, वो प्रेस भी नहीं होंगे, वो फोल्ड भी नहीं होंगे, जैसा कि आयरन हो गया, ठीक है, यानी लोहा हो गया, लकड़ी हो गई, पत्थर हो गया, मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनकी सरफेस को स्टूडेंट जो है अगर हाथ लगा के चेक करेंगे, इससे उनकी जो फाइव सेंसेस की एबिलिटी है, स्किन की एबिलिटी, ठीक है, यानी टच की फीलिंग की जो एबिलिटी है, फीलिंग की जो उनकी है, चीज़ों को टच करके फील करके बताना, तो इसमें वो वाली उनकी जो एबिलिटी है वो यूज़ होगी। जब आप स्टूडेंट को ये एक्टिविटी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो आप उनको याद करवा सकते हैं कि जो फाइव थिंग जो हमारी फाइव सेंसेस हैं, जो हमारे फाइव सेंसेस ऑर्गन्स हैं, और इस पर भी हम एक एक्टिविटी कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखी हुई तो आप वीडियोज़ में जाकर उसको देख सकते हैं। यानी जो हमारी सेंसेस है, फाइव सेंसेस हैं, उनमें से यहाँ पर जो सिलेक्शन के टाइम आपके काम आएगी वो हमारी फील करने की सेंस है। ओके,
टच करने की सेंस है जो हमारी, जिसको हम चीज़ों को छू के पता कर लेते हैं कि ये चीज़ जो है वो किस तरह की है, कोल्ड है, हॉट है, सॉफ्ट है, हार्ड है, तो वो एक अलग से टॉपिक है। लेकिन हम यहाँ पर आज सिर्फ सॉफ्ट एंड हार्ड को ही करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसको ही एक्टिविटी में हम जो है वो करेंगे। तो पता चल गया सॉफ्ट एंड हार्ड को आपने अपने स्टूडेंट को जस्ट यही बता दें। हार्ड थिंग्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम टच करते हैं तो हम जो है उनको प्रेस नहीं, यानी हम जैसे ये मेरे पास एक टॉय है तो मैं ये आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये हम ये देखें, ये सॉफ्ट है क्योंकि टॉयज़ की एग्जांपल इसलिए ज़्यादा दी जाती है, स्टूडेंट जो हैं वो हमारे बेसिक क्लासेस की ज़्यादा एक्टिविटी हैं, ठीक है, मतलब सॉफ्ट अगर वो चीज़ों को करेंगे इस तरह प्रेस करेंगे, हार्ड में उनकी इस तरह फिंगर जो है वो एम्बेड नहीं होगी, वो प्रेस नहीं कर पाएंगे हार्ड थिंग को। इसलिए तो सॉफ्ट का डिफरेंस जो है वो आप बता सकते हैं, वी कैन फील देयर सॉफ्टनेस, ओके, और वो कैरी करने में भी बहुत ही ईजी होती हैं। ये देखिए अगर इनको कैरी करें तो ये कैरी करने में भी ईजी होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं। और दूसरा, लेकिन जो हार्ड थिंग्स होती हैं, इट्स अ स्टिक ऑफ वुडन, तो मैंने ये ली है, तो आप ये देखें कि जब प्रेस करें, स्टूडेंट से कहें एक्सपीरियंस करवाएं उनका, और ये देखें ये प्रेस करें तो हमारी फिंगर जैसे हमने वो उस टॉयज़ को किया, ठीक है, उसको हमने किया, ये हमारे पास एक कॉटन का था, टॉय था, कॉटन टॉय था, तो हमने उसको प्रेस किया तो हमारी फिंगर आसानी से जो था वो उसके अंदर चली गई, यानी हमने उसको प्रेस कर लिया, उसको कैरी करना आसान था। लेकिन ये इसकी जो इसकी स्किन है, इसकी सरफेस है, सॉरी, इसकी जो सरफेस है वो बहुत हार्ड है, इट्स मीन इट्स हार्ड। तो आप अपने स्टूडेंट को इस तरह एक्सपीरियंस करके चीज़ों को सामने रखें, ठीक है। यहाँ पर जो लिस्ट मैंने बनाई हुई है, ऐसी चीज़ों को आप अगर सामने रख सकते हैं, क्योंकि जब मैं क्लास में इस तरह की एक्टिविटी करती हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट को ऐसी चीज़ें सामने रख लेती हूँ ताकि स्टूडेंट जो हैं वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस करके उनको जो लर्निंग हासिल होगी वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, वो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इस तरह मैंने सॉफ्ट एंड हार्ड की एग्जांपल आपके सामने रखी, तो यहाँ पर आप जब उनको सॉफ्ट एंड हार्ड का कंसेप्ट दे रहे हैं तो आप इस तरह उनको बता सकते हैं, हार्ड थिंग्स भी साथ में रखें, सॉफ्ट भी साथ में रखें, और फिर वो वन बाय वन आके उनको चेक करेंगे तो फिर उनकी लर्निंग जो है वो बहुत ही अच्छी होगी, और इससे वो एक्सपीरियंस करके सीखेंगे और उसको खुद से एक्सप्लेन करना भी शुरू करेंगे। अगर आज वो इसको एक्सपीरियंस को करते हैं, खुद से फील करते हैं कौन सी चीज़ सॉफ्ट है, कौन सी हार्ड है, तो कल अगर आप उनसे पूछेंगे दे कैन डिस्क्राइब यू। और ये लिस्ट आफ्टर योर लेक्चर अबाउट सॉफ्ट एंड हार्ड थिंग्स, आप ये एक्टिविटी तब उनसे करवा सकते हैं जब आप इसके बारे में उनको कंसेप्ट दे चुके हैं, तब आप उनका नॉलेज चेक करने के लिए ये एक्टिविटी करवा सकते हैं, दैट सेपरेट द सॉफ्ट एंड हार्ड थिंग्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। ओके, तो हमारे पास लिस्ट में क्या है, स्टोन, लीफ, कॉटन, हैमर, टाई, क्लॉथ, वुडन बॉक्स, शूज, टेबल। तो ये हमारे पास मिक्सअप है सॉफ्ट एंड हार्ड, बट आर टास्क इज, हम अपने स्टूडेंट्स कह सकते हैं, योर टास्क इज यू हैव टू सेपरेट द सॉफ्ट एंड हार्ड थिंग्स। लेकिन इसमें क्या करना है हमने, आप बोर्ड पे भी इस तरह की एक्टिविटी उनसे करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको बना के देते हैं शीट्स, वर्कशीट बना के देते हैं तब भी इट्स ओके। और मैं जब जर्नली स्टूडेंट से करवाती हूँ तो मैं बोर्ड पे करवाती हूँ। इससे क्या होता है, बोर्ड पे एक तो एक जूम में लिखा होता है, ठीक है, बड़ा बड़ा लिखा होता है, और वो आसानी से स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व भी हो जाते हैं और उसको इन्जॉय भी करते हैं। लेकिन अगर आप वर्कशीट उनको बना दें और सभी के सभी जो है वो एक ही टाइम में सब कुछ लर्न कर लेते हैं, लेकिन अगर हम वर्कशीट उनको देते हैं, वर्कशीट भी कभी कभी यूज़ कर ली जाती है, लेकिन ज़्यादातर मैं प्रेफर करती हूँ बोर्ड पर करवाना। तो इसमें से सॉफ्ट कौन सी है, स्टोन, स्टोन को अगर आप बताएं तो उन्होंने फील किया होगा, स्टोन इज अ हार्ड थिंग। ओके, तो स्टोन को हम हार्ड थिंग में लिखेंगे, स्टोन। लीफ, लीफ बहुत ही सॉफ्ट होता है, एंड दे कैन ईजिली एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर यूजुअल थिंग्स, ट्रीज जो हैं वो आसानी से मिल जाते हैं, स्कूल्स में भी होते हैं, घर के आसपास भी होते हैं, और अगर नहीं तो वहाँ से कुछ लीफ लेके स्टूडेंट्स को दें ताकि वो इसका एक्सपीरियंस कर सकें। तो सॉफ्ट थिंग जो है वो आसानी से जो है वो हम उनको मूव कर सकते हैं, यानी उनको फोल्ड कर सकते हैं, उनको कैरी कर सकते हैं, तो ये निशानी होती है सॉफ्ट की। इसलिए लीफ जो है वो मूव हो जाता है, हम उनको फोल्ड भी कर लेते हैं और उनको आसानी से उठा भी लेते हैं, इसलिए लीफ जो है वो सॉफ्ट में आया, स्टोन जो था वो हार्ड में गया। कॉटन,
कॉटन हमें पता है, कॉटन सॉफ्ट होती है, कॉटन सॉरी कॉटन लिखना था, कॉटन यहाँ पे आया। फिर इसके बाद है हैमर, हैमर का पता है क्योंकि वो लकड़ी और लोहे दोनों से मिलकर बनती है, इट्स मेड मेड अप विद वुड एंड आयरन, तो वो हार्ड होती है। आप हैमर की जगह कोई और भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिस्ट ली है, क्योंकि ये तो मेरी अपनी स्टूडेंट्स के लिए मैं इस तरह की एक्टिविटी डिज़ाइन कर रही हूँ, इसलिए मैंने वही चीज़ें ली हैं। लेकिन आप अपने सराउंडिंग में देखें कौन सी चीज़ जो है वो आपके स्टूडेंट के करीब है। अब्स्ट्रैक्ट थिंग यूज़ ना करें, मतलब जिनका बच्चों को पता भी नहीं है। हम ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ें अब बुक्स में आ गई हैं, ऐसी जिनका स्टूडेंट को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस ही नहीं है, इवन देन दे हैव नॉट सीन इन देयर कार्टून्स, उन्होंने कार्टून्स में भी नहीं वो देखा होता, तो उनको पता ही नहीं है। तो आप कोशिश करें कि वो चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट के सामने उनका जिक्र करें जिनको वो जानते हैं, जिनको उन्होंने देखा हुआ है। अभी वो उनका वो लेवल नहीं है कि आप अब्स्ट्रैक्ट थिंग उनके सामने रखें, नहीं, उनके सामने एक्चुअल रियल लाइफ एक्सपीरियंस रखें, उनके सामने रियल लाइफ चीज़ें रखें उनके सामने। हैमर, टाई, टाई जो बांधते हैं उनको पता है, उनके घर में बाबा बांधते होंगे, भाई बांधते होंगे, तो उनको पता है टाई इज़ अ सॉफ्ट। ओके, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स ऑल्सो सॉफ्ट, तो ये हम क्लॉथ्स, क्लॉथ्स में लिखेंगे। फिर है जी वुडन बॉक्स, ओके, क्योंकि आगे हमने मैंने लकड़ी की जो स्टिक अपने पास रखी थी, वुडन स्टिक रखी थी, इससे ही हमें एक्सपीरियंस मिलता है कि वुडन बॉक्स जो है वो हार्ड होगा, तो ये हार्ड में आएगा। वुडन बॉक्स, ओके, शूज, शूज सॉफ्ट होते हैं तो फिर हम पहनते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हार्ड वाले होते हैं वो हमारे पाँव में सूट नहीं करते, हमारे पाँव जो हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, वी फील पेन, ट्रबल, इरिटेटिंग, तो शूज जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो ये सॉफ्ट में आएगा। मैंने कोशिश की है कि वो वाली चीज़ें लूँ जो स्टूडेंट्स जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, जो उनके घरों में आसानी से उनके सामने इस्तेमाल होती हैं, शूज़। और लास्ट वन इज़ टेबल, स्टूडेंट टेबल भी आप यूज़ कर सकते हैं, टीचर टेबल होता है, घर पे टेबल होता है, और वो इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके जी, ये था कंसेप्ट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट थिंग। आप अपने स्टूडेंट के साथ इस तरह की एक्टिविटी को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी लर्निंग जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो, और ज़्यादा परमानेंट हो। और अगर नहीं भी है तो आप खुद से इस तरह की डिज़ाइन करें, ये उनकी स्किल्स को और ज़्यादा शार्प करेगा, ठीक है, वो चीज़ों को वो ओड एंड इवन थिंग्स में जो है वो डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएंगे, उनकी स्किल्स शार्प होना शुरू हो जाएंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा फोकस है ऐसी टेक्निक, ऐसे मैथड आपके साथ शेयर करें ताकि आप अपने बच्चों को खुद से पढ़ा सकें और हम उनकी लर्निंग को इस डिफ़िकल्ट एजुकेशनल एरा में मिलकर आसान बना सकें।